Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. No, ma'am, no problem. Okay. No, ma'am, no problem. Okay. So basically, we have to start with the who and the flow. Okay, so now I'm going to share a picture of this who. Are you able to see the screen? Yes, ma'am. So, यहाँ पर आपको दिख सक पा रहा है एक फावड़ा कहते हैं, I guess इसको हिंदी में. Yes, ma'am. ये है who, ठीक है? Who जो टूल होता है, जो यूज होता है. एग्रीकल्चरल उसमें. और ये है फ्लो, ठीक है? हल जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है? ये है आपका टॉपिक का इमेज. अगेन स्विच बैक टू योर टेक्स्ट. ओके, तो ये है द हो एंड द फ्लो. जब हमने इसका फर्स्ट पैराग्राफ तो कर लिया था. अब 2.1 इन द हिल्स ऑफ राजमहल 19th सेंचुरी के अंदर बुकानन जो था उसने ट्रेवल किया राजमहल हिल्स पर और उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर ये इस तरीके से अपेयर हुआ कि यहाँ की जो पहाड़ियां हैं जो हिल्स हैं वो इम्पेनिट्रेबल है यानी कि आप उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते हो. एक ऐसा जोन है जो ट्रेवलर्स के लिए जहाँ पर ये एरिया जो है पूरा खतरनाक है. मतलब उसको जब वो यहाँ पर आया और उसने यहाँ पे अपना सर्वे किया एक तरीके से लोगों से वो मिला तो उसको ये जगह बहुत डेंजरस लगी. उसके बाद में उसने यहाँ पे ये भी मेंशन किया कि यहाँ के जो लोग बाग हैं वो बहुत कैसे हैं, हॉस्टाइल हैं, ठीक है? वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है और स्पेशली जो ऑफिशियल्स को लेकर के उनका रवैया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है और वो उनसे बात करने को लेकर के भी इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं. कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस भी हुए हैं विलेज के अंदर. जो विलेजर्स थे उनके साथ में ये पूरी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाया अच्छे से क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे बात करने को लेकर के. और कुछ एग्जांपल्स के अंदर इसने ऐसे विलेजेस भी देखे हैं जो बहुत ही पूरी तरीके से खाली पड़े थे, ठीक है, डिजर्टेड थे या फिर एक्सकॉन्डेड थे. एक्सकॉन्डेड यानी कि वहां के जो लोग थे वो बिल्कुल पूरे गायब हो रखे थे, फरार हो रखे थे, ठीक है? फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे 2.1 का लाइन टू लाइन. इन द अर्ली 19th सेंचुरी द बुकानन ट्रैवल थ्रू द राजमहल हिल्स. 19th सेंचुरी की शुरुआत में ही बुकानन ने ट्रेवल किया है राजमहल हिल्स पर. फ्रॉम हिज डिस्क्रिप्शन द हिल्स अपीयर्ड इनपेनिट्रेबल, अ जोन वेयर फ्यू ट्रैवलर्स वेंचर्ड, एन एरिया दैट सिग्निफाइड डेंजर. उसके डिस्क्रिप्शन के अनुसार ये हिल्स जो है वो बिल्कुल इनपेनिट्रेबल लग रही थी, ठीक है? एक ऐसा जोन था जहाँ पे ट्रेवलर्स आते हैं तो उनको क्या खतरा लगता है. Wherever he went, people were hostile, apprehensive of officials and unwilling to talk to them. जहां पर भी वो गया वहां पर लोग बहुत हॉस्टाइल थे, अनफ्रेंडली थे और वो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे ऑफिशियल्स को और उनसे बात करने को लेकर के भी इंटरेस्टेड नहीं थे. In many instances, they deserted their village and absconded. कुछ एग्जाम्पल्स में कुछ जगहों पर विलेजेस जो है वो बिल्कुल डिजर्टेड थे, खाली थे और लोग बाग जो है वहां से फरार हो रखे थे. अब ये हिल फोक कौन थे, यहाँ पर रहने वाले लोग कौन थे और वो बुकानन की विजिट को लेकर के अप्रिहेंसिव क्यों थे, बिल्कुल भी पसंद क्यों नहीं कर रहे थे. बुकानन के जर्नल्स के अंदर आपको ये टेंटलाइजिंग ग्लिम्पसेस मिलेंगे यानी कि ऐसी चीजें मिलेंगी जो मतलब अलग तरह के चीजों को एक्साइट करती हैं किसी के सेंसेस को या किसी की इच्छाओं को सेंसेस को एक्साइट करती हैं. जो भी ये हिल फोक्स में रह रहे थे 19th सेंचुरी के अंदर वो उन लोगों की हरकतें या उन लोगों की बातचीत जो है उसको जब इसने एनालाइज किया और फिर उसके बाद में इसने अपने जर्नल में मेंशन किया तो उसको पढ़ करके किसी थर्ड पर्सन के अंदर क्या एक भावना उठेगी कि वो भी जानकारी मतलब क्यूरियोसिटी जगेगी उसके अंदर जानने की. इसके जर्नल्स में लिखा गया था डायरी जो है इसने एक मेंटेन कर रखी थी जिसमें इसने हर जो जगह विजिट करी थी उसके बारे में लिखा है. जिन लोगों से ये मिलता था उनके बारे में लिखा है और जो प्रैक्टिसेस इसने देखी
वो सब भी इसने अपने जर्नल्स के अंदर मेंशन कर रखी है। अब यहाँ पे इसके क्वेश्चन उठता है हमारे दिमाग में जिसको हम कभी भी आंसर नहीं कर पाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर उठने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ हमें बताते हैं उस समय के बारे में, इसके जर्नल को पढ़ करके हमें उस समय के बारे में पता पड़ेगा, लेकिन उनके बारे में हिस्ट्री और में नहीं देखने को मिलेगा, ना उन जगहों के बारे में आपको प्रॉपर कोई पिक्चर देखने को मिलेगी। हिस्टोरियंस के लिए ये सब क्या है, टर्न आउट टू अदर रिकॉर्ड्स, ये दूसरे रिकॉर्ड्स की तरह देखने को मिलेगा। अब लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। Who were these hill folk? Hill पर रहने वाले लोग कौन थे? Why were they so apprehensive of Bukanan's visit? और ये बिल्कुल भी खुश क्यों नहीं थे Bukanan की विजिट को लेकर के, तो ये उनके आया था अपना सर्वे करने, उस चीज को लेकर के वहाँ के लोग बिल्कुल भी अच्छे तरीके से क्यों नहीं थे। Okay. Bukanan's journal gives us tantalizing glimpses of these hill folk in the early 19th century. बुकानन जो है उसकी उसकी जो जर्नल है उससे हमें पता पड़ता है, एक झलक देखने को मिलती है कि किस तरह के हिल फोक्स हुआ करते थे 19th सेंचुरी के अंदर, और उसको पढ़ने के बाद में हमें जो झलक है उससे हमारे अंदर एक इच्छा जागृत होती है जिससे हम और उनके बारे में जाने पहचाने समझे। हिज जर्नल वॉज रिटन एज अ डायरी ऑफ प्लेसेस ही विजिटेड, उसका जर्नल जो है उसके अंदर बेसिकली क्या है, वो एक डायरी है जिसमें वो जहाँ भी गया उनके बारे में मेंशन किया गया है, पीपल ही एनकाउंटर्ड, जिन भी लोगों से वो मिला, जिन भी लोगों से उसका वास्ता हुआ, सामने पड़े वो लोग, एंड प्रैक्टिसेस ही सॉ, और जो भी उसने प्रैक्टिसेस देखी उन सब के बारे में उसने मेंशन किया है। इट रेजेस क्वेश्चंस इन आवर माइंड बट डज नॉट ऑलवेज हेल्प अस आंसर देम, ये हमेशा सवाल उठाएगी हमारे दिमाग में लेकिन हम हमेशा इन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। इट टेल्स अस अबाउट अ मोमेंट इन टाइम बट नॉट अबाउट द लॉन्गर हिस्ट्री ऑफ पीपल एंड प्लेसेस, ये हमें उस हिस्ट्री के अंदर उस समय के बारे में जरूर बताएगा लेकिन ज्यादा उनके बारे में जानकारी हमें नहीं बता पड़ेगी, ना उन लोगों के बारे में ना उन प्लेसेस के बारे में। फॉर दैट हिस्टोरियंस हैव टू टर्न टू अदर रिकॉर्ड्स, और अगर उस चीज को जानना है, उन लोगों को जानना है, उन जगहों को जानना है, तो हिस्टोरियंस को दूसरे रिकॉर्ड्स जो है वो छानबीन करके इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ सकती है। फर्स्ट और सेकेंड पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इस टॉपिक के अंदर पहले और दूसरे पैराग्राफ के अंदर कोई भी दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम नो प्रॉब्लम। नो मैम नो प्रॉब्लम। ओके। नो मैम नो प्रॉब्लम। जब हम देखते हैं लेट 18th सेंचुरी के अंदर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो थे उनको जब हम देखते हैं तो हमें पता पड़ता है कि ये जो हिल फोक्स थे, यानी हिल पे रहने वाले फोक्स थे, मतलब लोग थे, इनको किस नाम से जाना जाता था, पहाड़ियाज के नाम से जाना जाता था। ये रहते थे राजमहल हिल्स के आसपास, ठीक है, और ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उस पर इनका गुजर बसर होता था, और ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन करा करते थे जो एक एग्रीकल्चरल टाइप है, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर शिफ्टिंग कल्टिवेशन आपने पढ़ा होगा। और ये जो फॉरेस्ट एरिया होता था उसमें एक पैच जो है उसको क्लियर आउट करते थे, फिर वहां पर बुशेस काटते थे, उस जगह को जलाते थे, ठीक है, खाली छोड़ देते थे, एक बार खेती बाड़ी कर ली उसके बाद में उस एरिया को कुछ समय के लिए खाली छोड़ा जाता था या उसको बर्न आउट कर देते थे। इसी तरह के पैचेस जो है उसके अंदर पोटाश जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे मिलता था। अब ये जलाते थे ना जब उस एरिया पे, मान लो कि पहले एक फसल लगाई और फसल काटने के बाद में उसको पूरा जला देते थे, और उस जलाने के कारण ही वहां पर ऐश जो राख होती है उसके कारण वहां पर पोटाश की जो मात्रा है वो काफी बढ़ जाती थी। पहाड़ियाज जो है वो कई सारी पल्सेस और मिलेट्स उगाया करते थे खुद के कंजप्शन के लिए, ठीक है, खुद के खाने पीने के लिए, और ये पूरे ग्राउंड को स्क्रैच किया करते थे, यानी कि खोदा करते थे होल से, और फिर उसके बाद में कुछ सालों के लिए उस लैंड को जहाँ पे इन्होंने कल्टीवेशन किया उसको खाली छोड़ा करते थे फैलो करने के लिए, यानी वो अपनी फर्टिलिटी जो है वापस से रिकवर कर ले, और फिर ये दूसरे एरियाज तक मूव कर जाते थे। ये जो चीज है कि एक जगह पे फसल उगाई, फसल उगाने के बाद में काटने के बाद में उस एरिया को जला दिया, और जलाने के बाद में दूसरे एरिया पर शिफ्ट हो गए, वहां पर फसल करने लगे, फिर उसको ना जला करके उसको खाली छोड़ दिया, तो इस तरह की चीजें जो है पहले के जमाने में देखने को बहुत आसान थी, बहुत नॉर्मल थी, कई बार आपने पढ़ा भी होगा, क्योंकि क्या है इन लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी। इनको जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया पोटाश फ्रॉम द एश, यानी कि
राख में से जो जला देने पर जो राख बनती है, राख में से जो पोटाश की मात्रा होती है उससे काफी सही हो जाता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो कुछ चीजों के लिए तो ये बेनिफिशियल है और कुछ चीजों के लिए बेनिफिशियल नहीं रहती है। ठीक है, तो अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। इफ यू लुक एट द लेट 18th सेंचुरी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, वी लर्न दैट दीज हिल फोक्स वर नोन एज पहाड़ियाज। अगर हम 18th सेंचुरी के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ें तो हमें पता पड़ेगा कि ये हिल पर रहने वाले लोगों को पहाड़ियाज के नाम से जाना जाता था। दे लिव्ड अराउंड द राजमहल हिल्स सबसिस्टिंग ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये लोग रहते थे राजमहल हिल्स और ये अपना गुजर बसर करते थे जो फॉरेस्ट में चीजें उग रही हैं उससे, या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करके। दे क्लियर पैचेस ऑफ फॉरेस्ट बाय कटिंग बुशेस एंड बर्निंग द अंडरग्रोथ। ये पैचेस क्लियर करते थे फॉरेस्ट की, यानी फॉरेस्ट काट करके जगह बनाते थे, ठीक है, बुशेस हटाते थे और फिर उसके बाद में उस जगह को जलाते थे, उन चीजों को जलाते थे। ऑन दीज पैचेस एनरिच्ड बाय द पोटाश फ्रॉम द एश द पहाड़ियाज ग्रू वैरायटीज ऑफ पल्सेस एंड मिलेट्स फॉर द कंजम्पशन। अब ये जो जगह जलाया करते थे फॉरेस्ट को, एक एरिया लिया, उसका पेड़ वगैरह काटे, एक जगह खाली करी, उसके बाद में उसको जला दिया उस एरिया को, और फिर वहां पे जो पोटाश मतलब मिला इनको ऐश से राख से, उसके बाद ये वहां पर फसलें उगाया करते थे पल्सेस और मिलेट्स की अपने खुद के कंजप्शन के लिए, खाने पीने के लिए। दे स्क्रैच द ग्राउंड लाइटली विद होज, ये हल्का हल्का उसको खोदा करते थे होज से। कल्टिवेटेड द क्लियर लैंड फॉर अ फ्यू ईयर्स, कुछ समय तक, कुछ सालों तक उस लैंड पर कल्टीवेशन करते थे। देन लेफ्ट इट फैलो सो दैट इट कुड रिकवर इट्स फर्टिलिटी एंड मूव टू अ न्यू एरिया। और उसके बाद में उस जगह को फसल उगने के बाद में खाली छोड़ दिया करते थे कुछ समय के लिए, जिससे उसकी वापस से उपजाऊता यानी फर्टिलिटी जो है वो वापस से रिकवर हो और ये दूसरे एरिया तक मूव कर जाते थे। अब ये लोग जो थे ये फॉरेस्ट थे, महुआ एक फ्लावर होता है, ठीक है, खाने के लिए मतलब वो भी कलेक्ट करते थे, फूड कलेक्ट करते थे, सिल्क के कोकून्स जो है वो कलेक्ट करते थे, रेजिन कलेक्ट करते थे सेल के लिए, बेचने के लिए वुड कलेक्ट करते थे, इससे ये चारकोल बनाया करते थे, लकड़ी से ही कोयला बनता है वो भी ये लोग कलेक्ट करते थे। और जो अंडरग्राउंड मैट रहती थी, ठीक है, जो ट्रीज के नीचे का एरिया रहता था, पैचेस रहते थे जो जिन पे ग्रास रहती थी, उस पर ये क्या करते थे अपना खेती बाड़ी करके उसको काफी समय के लिए छोड़ दिया करते थे कुछ जगह पे, थे और कुछ जगह पे जो घास वगैरह हुआ करती थी वहां पर सिंपली अपने जानवरों को चराने के लिए छोड़ देते थे। फ्रॉम द फॉरेस्ट दे कलेक्टेड महुआ अ फ्लावर फॉर फूड, सिल्क कोकून्स एंड रेजिन फॉर सेल एंड वुड फॉर चारकोल प्रोडक्शन। ये कलेक्ट करते थे महुआ खाने के लिए, सिल्क कोकून, सिल्क का जो कीड़ा होता है रेशम का कीड़ा, उसको कलेक्ट करते थे और फिर उस पर जो रेशम बनता था उसको बेचा करते थे, ठीक है, और लकड़ी इकट्ठा करते थे चारकोल बनाने के लिए। द अंडरग्रोथ दैट स्प्रेड लाइक अ मैट बिलो द ट्रीज एंड द पैचेस ऑफ द ग्रास दैट कवर्ड द लैंड लेफ्ट फैलो प्रोवाइडेड पैस्चर फॉर कैटल। और जो ट्रीज के नीचे जो छोटी छोटी घासें उगती हैं, जो पैचेस में ग्रासेस उगती हैं, वहां पर अपने जानवरों को ये छोड़ देते थे चरने के लिए। इन दो पैराग्राफ्स के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम, नो प्रॉब्लम। ओके, व्हाट अबाउट दस? ओके, अब जो लाइफ हुआ करती थी पहाड़ियाज की वो कैसे बिताते थे? या तो वो हंटर्स होते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स होते थे, फूड गैदरर्स होते थे, चारकोल प्रोड्यूसर्स होते थे, सिल्क वर्म रियरर्स होते थे, यानी सिल्क के कीड़े को पालने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, वो होते थे, ठीक है। तो ये इंटीमेटली पूरी तरीके से किससे कनेक्टेड थे? फॉरेस्ट पे सारी चीजें जो है फॉरेस्ट में आसानी से मिल जाती हैं। ये हटमेंट्स में रहते थे जो बनी होती थी टैमरिन ग्रोव्स की, यानी कि इमली के जो एक तरीके से खेत होते हैं उसके आसपास, उससे बने हुए होते हैं जो हट एरियाज होते हैं वहां पर रहते थे। और ये मैंगो ट्रीज की पेड़ के नीचे जो है रेस्ट किया करते थे। ये पूरे रीजन को अपना ही जमीन समझते थे, यही इनका बेसिस था, इनकी आइडेंटिटी थी, साथ ही साथ इनका सर्वाइवल का जरिया था।
और जो बाहर के आउटसाइडर्स आते थे उनका इंट्रूजन यानी उनका इंटरफेरेंस इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और जो चीफ्स हुआ करते थे वो मेंटेन करते थे अपने ग्रुप्स को, एज अ एकता मेंटेन करते थे उसकी, और उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स हो जाते थे तो उनको भी सेटल डाउन करते थे यानी कि सॉर्ट आउट करते थे। और ये एक ट्राइब की तरह जीते थे, ठीक है, दूसरी ट्राइब्स और प्लेन्स पीपल के साथ में जीते थे और उनसे लड़ाइयाँ भी लड़ा करते थे। ठीक है, अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। द लाइफ ऑफ द पहाड़ियाज एज हंटर्स, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, फूड गैदरर्स, चारकोल प्रोड्यूसर्स, सिल्क वॉर्म रियरर्स वॉज दस इंटीमेटली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। अब इनकी जिंदगियां जो थी वो पूरी तरह से फॉरेस्ट से जुड़ी हुई थी, जो भी इनका काम करने का तरीका था वो सब फॉरेस्ट बेस्ड था। दे लिव्ड इन हटमेंस विद इन टैमरिन ग्रुप्स, ये रहते थे हटमेंस में, ठीक है, जो कहाँ होती थी, टैमरिन के बागों के अंदर होती थी यानी इमली के बागों के अंदर होती थी। एंड रेस्टेड इन द शेड ऑफ मैंगो ट्री, और ये आराम किया करते थे मैंगो ट्रीज जो होते हैं उसकी छाव में। दे कंसिडर्ड द एंटायर रीजन एज देयर लैंड, ये पूरी एरिया को अपना ही, पूरे रीजन को अपना ही जमीन समझा करते थे। द बेसिस ऑफ देयर आइडेंटिटी एज वेल एज सर्वाइवल, दे रेजिस्टेड द इंट्रूजन ऑफ आउटसाइडर्स, यही इनकी पहचान हुआ करती थी और ये अपने सर्वाइवल के लिए यहीं पर रहते थे, और जब कोई बाहर से आता था तो ये इनको पसंद नहीं आता था। ये एक रीजन हो सकता है कि बुकानन जब आया तो उसको इन्होंने बिल्कुल भी अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया। Their chiefs maintained the unity of the group, settled disputes and led the tribe in battles with the tribes and plains people. इनके जो चीफ हुआ करते थे वो मेंटेन करते थे इनके ग्रुप की एकता को, यूनिटी को, इनके बीच में लड़ाइयों को सॉर्ट आउट कराते थे और ट्राइब की तरह जीते थे, और दूसरी ट्राइब्स और प्लेन पीपल जो यानी कि ग्राउंड पे जो लोग रहते हैं, क्योंकि ये तो हिल एरिया पे रहते थे, जो जमीनों पे प्लेन एरिया पे रहते थे उन लोगों से ये लड़ाइयां भी करा करते थे। अब इनका बेस क्या हुआ करता था, हिल, और इसीलिए पहाड़ियां जो है वो रेगुलरली प्लेन एरिया जो होता था ना, जो गांव वगैरह होते हैं जो प्लेन्स में रहते हैं वहां पर रेड किया करते थे यानी उनको लूटपाट लिया करते थे, ठीक है, और जो वहां पर लोग रहते थे उनसे चीजें ही लेकर के आ जाते थे। ये रेड के जरूरी इसलिए थी, एक तो इनके सर्वाइवल के लिए, और दूसरा ये अपनी जब इनके कमी आ जाती थी तब ये जाते थे वहां पर रेड करने, या फिर ये एक तरीका होता था अपनी पावर दिखाने का, ठीक है, कि हम तुमसे ज्यादा पावरफुल हैं ये दिखाने के लिए भी ये चीज करते थे, ठीक है। और कई बार पॉलिटिकल रिलेशंस को नेगोशिएट करने के लिए इनके बाहर से जो आउटसाइडर्स आते थे उनसे भी ये मोलभाव किया करते थे अपनी चीजों को लेकर के। जमींदार जो हैं जो प्लेन्स पे रहा करते थे अक्सर उनको अपने शांति खरीदने के लिए एक तरीका हुआ करता था कि भाई तुम आकर के हमारे यहाँ रेड नहीं करो, लूटपाट नहीं मचाओ, उसके लिए जमींदार जो है ये हिल चीफ्स को रेगुलर ट्रिब्यूट पे करते थे, ठीक है। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है कि वो किसी भी फॉर्म में उनको कुछ भी चीज पे कर सकते हैं, और जो व्यापारी होते थे वो भी स्मॉल अमाउंट में इन हिल पर रहने वाले लोगों को परमिशन लेकर के इनके एरिया से पास होते थे, कंट्रोल जो इनके द्वारा एरिया कंट्रोल किया जाता था उससे पास होते थे। होता है ना कि जैसे आपने देखा हो कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, आज भी कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर अगर आपको पास होना है, अगर आपको वो रास्ते में पड़ रही है जगह और आपको दूसरे शहर जाना है तो वहां पर आपको स्पेशल कुछ टैक्स देना पड़ता है या सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ता है। ये लीगली तो सही नहीं है बट कहीं कहीं एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर कानून भी ज्यादा हेल्पफुल नहीं रह पाता है, तो उस तरह की जगहों पे जैसे आदिवासियों का या ट्राइब्स का एरिया होता है ना वहां पर इस तरह की चीजें होती है। तो उस जमाने में यहाँ पे जो हिल फोक्स होते थे वो उनको पे करते थे, मतलब उनको पे करना पड़ता था दूसरे लोगों को, हिल के पहाड़िया जो थे उनको पे करना था। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। With their base in the hills and the pahariyas regularly raided the plains where settled agriculturalists lived. जहां पर पहले से ही अच्छे एग्रीकल्चरिस्ट रहते हैं प्लेन एरियाज में, वहां पर ये पहाड़ियाज रेगुलरली रेड मारा करते थे। दीज रेड्स वर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल एंड पर्टिकुलरली इन द इयर्स ऑफ स्कैर्सिटी, ये रेड्स जो थी बस नेसेसरी जरूरत थी, जरूरी थी अपने इनके सर्वाइवल के लिए, और स्पेशली तब जब इनके यहाँ खाने की या किसी चीज की कमी हो जाया करती थी। दे वर अ वे ऑफ असर्टिंग द
सर्टेन पावर ओवर सेटल्ड कम्युनिटीज, जो पहले से कम्युनिटी सेटल्ड है उन पर पावर्स दिखाने का कि हम तुमसे ज्यादा पावरफुल है, वो दिखाने के लिए भी ये लोग रेड मारा करते थे. एंड देवर अ मीन्स ऑफ नेगोशिएटिंग पॉलिटिकल रिलेशंस विद आउटसाइडर्स, और बाहरी लोगों से ये अपने पॉलिटिकल राजनीतिक रिलेशन रिश्ते जो हैं उनको भी मेंटेन करने के लिए ये सब किया करते थे. द जमींदार्स ऑन द प्लेन्स हैड टू ऑफन परचेज पीस बाय पेइंग अ रेगुलर ट्रिब्यूट टू द हिल चीफ्स. और जो जमींदार जमीनों पर रहा करते थे, प्लेन एरिया में रहा करते थे, उनको अपनी शांति खरीदने के लिए, अपने आसपास शांति मेंटेन कराने के लिए अक्सर इनको कुछ ट्रिब्यूट देना पड़ता था, यानी इनको ऑफर करनी पड़ती थी चीजें हिल चीफ्स को. Traders similarly gave a small amount to the hill folk for permission to use the passes controlled by them. और जो traders व्यापारियां हुआ करते थे, व्यापारी लोग जो होते थे, उनको भी small amount में hill folks को कुछ देना पड़ता था अगर इनको रास्ते में इनका area पड़ रहा होता था तो pass करने के लिए इनको कुछ offer करना पड़ता था. Once the toll was paid, एक बार toll amount, जैसे अपने जयपुर से अजमेर आते हैं तो अपन को toll amount देना पड़ता है, वो तो खैर legal चीज है, उसी तरीके से यहाँ पे illegal तौर पे इनफॉर्मल तरीके से चीज चलती थी कि इनको टोल पे करना पड़ता था. द पहाड़ियाज चीफ प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स इंश्योरिंग दैट देयर गुड्स वर नॉट प्लंडर्ड बाय एनीवन. और ये इनको जब ये टोल पे कर देते थे तो पहाड़िया का जो चीफ हुआ करता था वो इनको विश्वास दिलाता था कि आपका और आपके सामान का प्रोटेक्शन करेंगे हम लोग और कोई भी व्यक्ति आपसे आकर के वो चीज नहीं छीनेगा. समझ में आया? Yes, ma'am. किसी को कोई दिक्कत? सब कुछ क्लियर है? Yes, ma'am. It's all clear. Okay. Yes, ma'am. अब next है, ये जो negotiated peace हुआ करता था, यानी कि ये मोल भाव करके जो उनको शांति मिला करती थी, ये क्या थी? बहुत ही फ्रजाइल थी. ठीक है, ये आप क्योंकि अब वो तो क्या है, एक सब गवर्नमेंट को फॉलो करे, गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करे, तो वो तो सबके लिए कंपलसरी है, वो तो करना ही है. अब एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, उसके मन में आई तो वो फॉलो करेगा, नहीं आई तो वो नहीं करेगा, वो तो एक तरीके से अपनी मर्जी का मालिक है. ठीक है, तो यहाँ के लोग ये जो इनको पीस के तौर पर जो ऑफर करते थे, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होता था, कई बार वो सही भी तरीके से करते थे और कई बार वो उसका चीज लेने के बावजूद भी उनकी प्रोटेक्शन नहीं करते थे और लूट लेते थे. तो वो बेसिकली ये बहुत ही फ्रजाइल कंडीशन में था. 18th सेंचुरी के अंदर फ्रंटियर्स जो थे, जो एग्रीकल्चर की ओर लेकर के बैठे हुए थे, वो बहुत ही अग्रेसिव उसमें मोड में चले गए थे ईस्टर्न इंडिया के तरफ से. ठीक है, और ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या इनकरेज कर रहे थे उस समय की फॉरेस्ट क्लियरेंस, यानी कि वो फॉरेस्ट हटाना चाह रहे थे उस समय, और जमींदार और ज्योतिदार जो थे उनके जो अनकल्टिवेटेड लैंड थे उनको राइस फील्ड में कन्वर्ट करना चाह रहे थे. ब्रिटिशर्स एक तरीके से बंगाल के ऊपर उस समय अपना एस्टेब्लिशमेंट कर चुके थे और वो धीरे धीरे ईस्ट को कोशिश कर रहे थे अपने अंदर लाने के लिए. लेकिन ये जो लोग थे, इनका जो ये हिल फोक्स थे, पहाड़ियाज थे, इनको कंट्रोल में लाने के लिए उनको अभी भी काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे थे. और इसीलिए ये जमींदार और ज्योतिदार की मदद ले रहे थे कि धीरे धीरे इनका जो ये इस ट्राइब के जो लोग हैं इनको थोड़ा सा हटा दिया जाए और ये पूरे एरिया को अपने हिसाब से वो लोग कवर कर लें. ठीक है, ये इनका बेसिक मोटो था. अब इस पॉइंट, इस टॉपिक को हम कल कंप्लीट करेंगे, आज के लिए इतना ही, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. प्लीज आपको जो भी दिक्कत आई हो आप कलेक्ट कर लीजिएगा और कल की क्लास में हम आपकी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे अहेड. दैट्स ऑल फॉर टुडे. गॉड ब्लेस यू. ओके मैम, थैंक यू मैम. थैंक यू.